कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है, मे बी 11 या 11:30 बज रहा है। इनमें तो मैं कुछ फ्लावर लेने आई हूँ हेयर मार्क्स के लिए, जिससे उसके फ्लावर भी मुझे चाहिए और उसके लिप्स भी मुझे चाहिए। तो मैं उसे तोड़ती हूँ और यहाँ पर बहुत धूप है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो मैं जल्दी से तोड़ के यहाँ से निकलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मच्छर भी मैंने सारे को अच्छे से धो लिया है और एलोवेरा के साइड में जो कांटे लगे रहते हैं उसे मैं हटा लूँगी। मैंने अच्छे से सारे कांटे हटा लिए हैं। अब मैं इसे बारीक काट लूँगी ताकि इसे ग्राइंड करने में इजी हो। अब मैं एलोवेरा लीव्स और जो फ्लावर है सारे को डाल के अच्छे से एक फाइन पेस्ट बना लूँगी। एकदम उसमें लम्ब्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इतने फाइन आपको पेस्ट बनाना है। मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आपको बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, थोड़ा सा भी लम्ब्स नहीं रहना चाहिए। लम्ब्स रह गए तो आपके बालों से वो निकलेंगे नहीं। अब इस पेस्ट पे मैं 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल मिक्स करूँगी। ये जो है बालों को नरिश करता है कोकोनट ऑयल, इसलिए मैं इसमें मिक्स करी। अगर आपके पास कोई भी हेयर ऑयल जो आप यूज करते हैं उसे आप इस पर डाल सकते हैं। मैं अपना ड्रेस चेंज कर ली, मैंने एक ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन लिया। अब कुर्ती वाइट थी इसलिए मैंने उसे उतार दी, क्योंकि अगर उसमें दाग लग जाता तो पता नहीं जाए या ना जाए, इसलिए मैंने ब्लैक कलर का एक टी शर्ट पहन लिया। अब मैं अपने हेयर मार्क्स को अप्लाई करती हूँ अपने सर पे। सबसे पहले मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर जब मैं अप्लाई करूँगी मार्क्स तो वो सही से नहीं लगे। मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है, अब मैं मार्क्स अप्लाई करती हूँ। पहले मैं इस साइड पे करूँ। मैं मार्क्स अप्लाई करती हूँ अपने बालों पे। इसको अपने बालों पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेना है, अपने स्काल्प पे भी मसाज कर रहे उस टाइप से करना है, ताकि जितने भी डैंड्रफ वगैरह हो वो सारे रिमूव हो जाएं वॉश करने के बाद। मैं सबसे पहले अपने स्काल्प से ही लगाना शुरू करती हूँ, क्योंकि अगर टिप पे ना हो तो भी चलेगा, लेकिन स्काल्प पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा डैंड्रफ भी वहीं पे होता है और हेयर ग्रोथ भी वहीं से स्टार्ट होती है। इसलिए हमें फोकस करना है कि सबसे पहले हम अपने स्काल्प पे ही लगा लें।
मैंने अपने बालों में अच्छे से मास्क अप्लाई कर लिया है। मैंने अपने पूरे हेयर में अच्छे से हेयर मास्क लगा लिया है और मैं इसे अब 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी सूखने के लिए। उसके बाद हेयर वॉश करूँगी, देखती हूँ रिजल्ट कैसा आता है। होप फिंगर क्रॉस अच्छा है, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से एक अच्छी DIY हेयर मास्क की बहुत ज़रूरत थी। मैं ऐसे जितने भी केमिकल वाले आते हैं, मतलब हेयर मास्क, मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बस DIY करके ही कुछ हेयर मास्क बनाती हूँ, वही लगाती हूँ। मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया और मैं नहा के भी आ गई और मैं लंच भी कर ली। उसके बाद मैं अभी खाने वाली हूँ आम, उसके बाद सोचा जाएगा कि ब्लॉग में क्या क्या होगा। पहले मैं खा लेती हूँ आम। निशी, हमको पता तुम देख रही होगी। बहुत बेटा निशी, लेयरिंग करके मैंने रखा था, लेयरिंग गर्मी बहुत करती है। अगर मैं फैन ऑन करती हूँ तो आवाज़, अगर मैं फैन ऑन करूँगी तो बैकग्राउंड नॉइज़ वो और भी भयंकर आ जाएगा। तो मैं जा रही हूँ हाथों के आती हूँ, फिर देखते हैं बालों का क्या हाल है। अब मैं खोलती हूँ टॉवल को, देखती हूँ हाल क्या है बालों का। This video, please give a thumbs up, and if you haven't subscribed my YouTube channel, please subscribe it and hit the bell button.